जो सिस्टम है एकदम प्रॉपर घर जैसा है जी जी, इधर एकदम अच्छा लगा सब। इसका व्यवहार में तो एकदम मैंने फर्स्ट क्लास बोलता है इस वजह से जी जी। ताजमहल का मार्बल आज भी चमकता है, पता है क्यों? क्योंकि वो मकराना मार्बल से बना है। रामराना मार्बल्स एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ मकराना मार्बल एट बोरावर बाईपास मकराना। कॉल 9829074358। कॉल रामराना मार्बल्स 9829074358। ये जो क्वालिटी है मकराना चकडूंगरी मार्बल की स्लैब है, जिसकी जो लेंथ एंड हाइट है 5 फीट बाई 4 फीट है, और ये जो सिंगल स्लैब है 1000 स्क्वायर फीट की स्लैब है, और ये जो आज मटेरियल लोड हो रहा है ये वेस्ट बंगाल वर्धमान के लिए मटेरियल लोड हो रहा है, और ये जो है अबाउट 200 की रेंज के अंदर इस स्लैब का हमारे कस्टमर ने सिलेक्शन किया है। कंप्लीट ये मैं आपको लोडिंग होते हुए दिखाता हूँ। तो सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो स्लैब है एकदम फ्रेश स्लैब है, आगे से पीछे तक सेम लोट है, कहीं पे भी कोई क्रेक्स या नुक्स नहीं है। ऊपर 3 से 4 इंच का ऊपर एक क्रेक आया, वह मेजरमेंट लेस कर दिया गया है, उसके अलावा कंप्लीट पोजीशन फ्रेश है। तो कस्टमर का जो मार्बल है 8000 स्क्वायर फीट इन्होंने मार्बल का सिलेक्शन किया है। तो मेन फोकस मैं इस स्लैब पे कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने उनकी दो जो मेन एरिया है होल है, उन्होंने दो स्लैब का सिलेक्शन किया है। तो एक ये है और इसके बाद में एक स्लैब और इन्होंने चकडूंगरी की ही सिलेक्शन की है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि इसके अंदर कस्टमर का क्या फीडबैक है वह आपको देखने का मिलेगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको मकराना मार्बल की हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जैसे कि जो गाड़ी है ये 34 टन का है, और जो कस्टमर का ट्रांसपोर्टेशन आया ये मन के चलिए 20 से 22 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का वेस्ट बंगाल का ट्रांसपोर्टेशन आया। अगर यही मटेरियल शेयरिंग में जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है, जैसे 25, 26, 27 अकॉर्डिंग टू कितना क्वांटिटी, उस पर डिपेंड करता है। एक चकडूंगरी की स्लैब ये है, ये भी इन्होंने सेकंड होल के लिए सिलेक्शन किया है। अबाउट 160 की रेंज के अंदर इस चकडूंगरी मार्बल की बेहतरीन क्वालिटी का सिलेक्ट किया है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं काफ़ी प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, और अभी इसके ऊपर वाटर अप्लाई है, बट ये मटेरियल फिटिंग एंड पॉलिश होने के बाद में काफ़ी प्यारा लगने वाला है। तो ये लोडिंग होते हुए ये स्लैब भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वालिटी हम किस तरीके से हमारे गोडाउन में मेंटेन करके चलते हैं। क्योंकि कई बार प्राइस कम होना अलग फैक्टर है, अगर प्राइस कम होगा तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। मेरे पास जो कस्टमर है मेरे परमानेंट एंड विश्वास वाले हैं, तो वहाँ पर एक प्राइस एक अलग फैक्टर है, क्योंकि क्वालिटी की प्राइस, अगर मैं भी क्वालिटी कहीं से परचेज़ करूँगा तो उसकी प्राइस मेरे भी लगेगी। क्योंकि अभी ये जो स्लैब है आगे से पीछे तक सेम पोजीशन देखने को मिलेगी, कोई क्रैक नहीं आएगा, ये मान के चलिए 90 से 95% रिकवरी की ये स्लैब है। उसके बाद में जो रिमेनिंग थे ये चकडूंगरी के प्रीमियम क्वालिटी के लीरा साइज का इन्होंने सिलेक्शन किया, और एक थोड़ा नॉर्मल चकडूंगरी के लीरा साइज का सिलेक्शन किया। जैसे कुछ बेक एरिया होता है घर का, वहाँ पर नॉर्मल चकडूंगरी के लीरा साइज का इन्होंने सिलेक्शन किया था। जैसे अबाउ 90 की रेंज के अंदर प्रीमियम, अबाउ 60 की रेंज के अंदर चकडूंगरी के लीरा साइज का सिलेक्शन किया है। उसके बाद में कंप्लीट काम फिनिश होने के बाद में जब दादा रवाना हो रहे थे, तो राजस्थानी कल्चर के हिसाब से एक साफा पहना के हमने उनका मान सम्मान किया, तो दादा से जुड़ के काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद में इनके पास टाइम था तो ये यहाँ से जैसे जयपुर पुष्कर विज़िट किए, ये आप देख सकते हैं वहाँ की कुछ फ़ोटो है। तो इसके बाद में इनका क्या फीडबैक है वह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे दादा हैं वेस्ट बंगाल वर्धमान से हैं, और इनका मटेरियल पूरा 8500 स्क्वायर फीट का जो 34 टन का था गाड़ी लोड हो गया। अब दादा पुष्कर और जयपुर घूमने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगा दादा? हमारा तो एकदम अच्छा लगा, हम लोग तो आपका यूट्यूब में देख के आया जी। तो टोटल वेस्ट बंगाल का आदमी इधर आ रहा था, तो सबको भी फीडबैक तो देख कर रहा हूँ। फिर भी 2-3 दिन पहले एक हावड़ा से आदमी आया, उसको फोन भी किया हमने जी, तो फीडबैक दिया जो अच्छा है, इसीलिए हम उसी दिन में तो बोला नहीं कल हम चलाएंगे, तो उस दिन आके इधर एकदम पूरा मैंने जो सिस्टम है एकदम प्रॉपर घर जैसा है जी जी, इधर एकदम अच्छा लगा सब। इसका व्यवहार में तो एकदम मैंने फर्स्ट क्लास बोलता है इस वजह से जी 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 जी। तो इधर तो एकदम फूट मैंने पाथर भी हमारा जो जैसे हमारा जो चॉइस करना था वो भी ऐसे ऐसे मिला हमारा,
जे ऐसा हमारा मन मुझसा भी हुआ नहीं ऐसा कुछ नहीं सब एकदम हम वो ड्रेस करके लिया जैसे वो एक थप्पी था तो उसमें हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो वो वाला थप्पी हमने वापस अनलोड करवा के और तुरंत दूसरा ही थप्पी हमने लोड किया जिससे 100% हम सेटिस्फाई थे वही हमने काम करके वो दिया है वो तो चेंज कर दिया उससे तो एक अच्छा है जी 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 क्वालिटी सब मालिका हमको तो एकदम पूरा क्या लग रहा है कि वन क्वालिटी लगा जी 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 तो अब लगा के भी फिर दादा को एक बार देखें और दादा को मान सम्मान के लिए राजस्थानी साफा पहनाया है ये हमारे यहाँ मान सम्मान के लिए पहनाया जाता है तो दादा से मिलके बहुत बढ़िया लगा थैंक यू थैंक यू किसी भी वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें एंड वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग राम राणा मार्बल्स।